हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एचटीएमएल में एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एचटीएमएल टैग लगाते हैं, हेड टैग लगाते हैं, टाइटल लगाते हैं। हम मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसीलिए हम मार्कशीट हमने टाइटल दिया है, टाइटल को क्लोज किया है। नेक्स्ट हमने बॉडी टैग, हेड टैग को क्लोज किया है पहले, इसके बाद हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया है। बॉडी टैग के बाद हमने H3 हेडिंग और अंडरलाइन टैग्स के अंदर हम एक वर्ड लिख रहे हैं मार्कशीट, और उसके बाद इसे हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टेबल टैग स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल का हम बॉर्डर चाहते हैं 3, इसके बाद हम इसका सेल के बीच में कितना स्पेस चाहिए वो हम सेल स्पेसिंग में देंगे। इसके बाद हम सेल का बॉक्स कितना हमारा बन के आए वो हम सेल पैडिंग में देंगे। अब हम एक रो बना रहे हैं, इसके लिए हमने टेबल रो स्टार्ट किया है। एक बॉक्स बनाने के लिए TH लिखा है, नेम लिखा है, नेम के बाद इसे हमने क्लोज कर दिया है। बिल्कुल सिमिलर हम आगे हमने दूसरा बॉक्स बनाया है, इसके लिए हम नेम के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी, दोबारा से इसी को हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ हम क्या लिख देंगे इंग्लिश। नेक्स्ट हम सबसे लास्ट में इसको बंद कर देंगे। अब दूसरी रो बना रहे हैं हम, उसमें क्या करेंगे TH की जगह TD लिखेंगे, क्योंकि हमें टेबल डाटा चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, TD टैग को क्लोज करेंगे, पहला बॉक्स बन गया हमारा। दूसरे बॉक्स के लिए मार्क्स हो गए हमारे, TD को बंद करेंगे, फिर से TD टैग को स्टार्ट करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम TR टैग को क्लोज कर रहे हैं। अब हमें जितने स्टूडेंट्स के लिखने हैं बस हमने कॉपी पेस्ट किया है, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम चेंज कर दिया है, मोहन, शिव, जो भी हम देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के नेम। और जो ये मार्क्स हैं, इस मार्क्स को भी हमने चेंज किया है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स सिमिलर नहीं आते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मार्क्स हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको क्लोज कर रहे हैं टेबल्स को। टेबल्स के बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर रहे हैं। बॉडी टैग के बाद हम HTML टैग को क्लोज कर रहे हैं। अब हम इसे सेव करेंगे। table.html के नाम से एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, फाइल में जाके ओपन ब्राउज, या हम लिख देंगे table.html, ओपन, ओके। ये देखिए हमारी टेबल्स बन के आ गई है, बॉक्सेस आ रहे हैं, बॉर्डर हमने जितना दिया है, बॉक्स का साइज जितना दिया टेबल पैडिंग में, और सेल स्पेसिंग में इस बॉक्सेस के बीच में कितना गैप आए वो शो कर रहा है। फर्स्ट लाइन में हमने TH दिया था, इससे नेम हिंदी इंग्लिश में हमारा क्या रहा, डार्क आ रहा है, ये क्योंकि हेडर रो है। बाकी में हमने TD दिया था, इसलिए डाटा दिखा रहा है, इसको डार्क नहीं दिखा रहा है ये। इस तरीके से हम HTML में कोई भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाटा जो टेबल फॉर्म में हो, बस हम टेबल डाटा टैग TR टैग TH टैग और TD टैग का यूज करते हैं। अपने अकॉर्डिंग के हमें टेबल में किस तरह का डाटा चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इन टैग्स को अपने टेबल में यूज करते हैं।